कि आप कभी आपकी रुचि कभी रही है टीवी की तरफ, क्योंकि माय सिस्टर्स इनटू टेलीविजन, तो उन्होंने एकता का नाम लिया था, तो मैंने उनसे कहा कि बचपन से ही जो शौक था उन्होंने वो फॉलो किया और मेरा शौक था फिल्मों की तरफ, तो आई वेंट टुवर्ड्स फिल्म्स. और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मैं टीवी देखता हूँ, तो मैंने कहा मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन अपनी प्रोमोज ढूंढता रहता हूँ टीवी पर हमेशा. सो दैट वाज व्हाट ही सरप्राइज्ड हिम अ लॉट. और उन्होंने फिर पूछा कि क्या मैं केबीसी देखूँ, आई सेड ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई डू वॉच इट. तीनों में से सबसे ज्यादा जवाब सवाल उन्होंने जवाब दे या और होता क्या है, आपको कभी कभी आंसर पता होता है लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वही आंसर है. सेम थिंग हैपेंड कि आई न्यू द आंसर वॉज रावण, बट आई सेड पता नहीं यार इतने ऑप्शंस है, टाइम भाग रहा है, पैसे कम हो जाएंगे अगर मैं गलत आंसर देता हूँ, तो वो प्रेशर के वजह से कभी कभी आप यू नो गलती कर देते हो. सो बट या अर्शद आई थिंक यू स्टिल टेक द केक. या आई नो एंड अजय, नॉट जस्ट रियलिटी, इट्स एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, बिकॉज टुडे प्रमोशन पब्लिसिटी इतनी ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह कर सकते हैं. यू शुड गो आउट एंड डू इट. अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर चिल्ला सकते हो प्लीज गो एंड डू इट. या एक्चुअली फिल्म में काम करना काफी आसान हो गया है, प्रमोशन थोड़ा डिफिकल्ट फैक्टर हो गया है. सो यू नेवर नो, पीपल कम अप विद रियली वियर्ड आइडियाज कि आज आपको, एंड इट्स लाइक ऑन द स्पॉट, आज आपको यहाँ आके है ना बंदर की तरह कूदना है. ओह ओके ठीक है, सो यू हैव टू डू इट. मेरे ख्याल से दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी अगर फिल्म बहुत हिट हो, वरना बेसिकली मेरा हम लोग सब थोड़े तो नर्वस रहेंगे. गोलमाल एक ऐसा ब्रांड है कि ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट इंडिविजुअली हम लोग अपनी अपनी सोलोज या टू हीरोज वगैरह करते रहते हैं, बट गोलमाल के लिए जब सब साथ में आते हैं तो लोग ये ज्यादा सोचते नहीं कि मेरा पार्ट कितना है, ये ज्यादा डायलॉग बोल रहा है या इसका पंच ज्यादा है वगैरह. आई थिंक इट्स मोर फॉर द ब्रांड, फॉर द फिल्म, फॉर द टीम together that we work, and I don't think kabhi set pe is tarike ka koi mahol raha hai ki yaar ye Arshad bahut zyada punch maar raha hai aur mere utne nahi aa rahe. I think is baar sare role bahut hi equal hai. It's really pressurizing to do sequels and parts one after the other. Rohit ne is baar bhi har golmaal ki tarah is baar bhi character ko hum sab ko alag alag thode shades diye hain in comparison to the second and the first part. So hamare liye bhi ek nayapan aata hai while we perform and audiences ke bhi nayapan aayega. Like my character, even though he's mute even in the first and second part, but no, I think there's a huge we have a huge population and two films releasing on the same day is absolutely not a problem, especially Diwali jab not a problem log filme dekhna chahte hain aur do filmon ke liye enough room hai jo jitni achhi hogi utni chalegi. 100 crore ki janta hai yaar. एग्जाम से पहले की जो नर्वसनेस रहती है वो लगती है, और मेरे लिए ज़्यादा थी क्योंकि मैं पहली बार बच्चन साहब को मिल रहा था, तो डबल थी. लेकिन इट ऑल वेंट वेल. जूते भी कौन से पहन के, कैमरा पहन कीजिए. हाइट बढ़ाने के लिए नहीं है वो, फ्लैट है ये, मैं फंस जाता हूँ. और यही केबीसी पे भी हुआ कि जो सबसे छोटा है उसकी सबसे ज़्यादा खिंचाई होती है, मुझे इसीलिए बीच में बिठाया गया है. काफ़ी इन्जॉय भी किया, और सारी टीम जब साथ में होती है तो हंसी मजाक बहुत होता है, और अमित जी के साथ भी काफ़ी हंसी मजाक हुआ, तो मज़ा आया बहुत. मैं चाहूँगा कि दोनों फिल्में चलें, हमारी थोड़ी ज़्यादा चले, सबकी अपनी वो रहती है, बट आई थिंक इंडस्ट्रियली अच्छा है अगर हर फिल्म चले. क्यों ऐसा क्यों सोचेंगे एक ही फिल्म चले. हाँ, और आई थिंक स्पेस है दोनों फिल्में चलने के लिए. पहले भी आई थी गोलमाल रिटर्न्स और फैशन साथ में थे, दोनों फिल्में चली थी. ऐसा नहीं होता है कि कौन सा, अलग अलग चीज़ें करो तो ही मज़ा आता है. आई थिंक अगर आपको एक्टिंग करने का शौक है तो फिर आप सेट पे जाके ये नहीं सोचते कि कौन सा जॉनर कर रहे हैं. वर्किंग एज एन एक्टर, मैं अवार्ड्स के बारे में सोचता नहीं हूँ. आई थिंक सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि ऑडियंस आपकी पिक्चर पसंद करे, आपको पसंद करे, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है. ऑल द कैरेक्टर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट यू, आई मीन एवरी कैरेक्टर इज नॉट what we've done in the earlier Golmaal. So when the story changes, everything changes in any which way.